चक्रवाती तूफान फोनी ओडिशा के तट से टकराने के बाद पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रहा है। ओडिशा में राहत और बचाव कार्य जारी। छत्तीसगढ़ में भी तूफान फोनी की वजह से बस्तर और सरगुजा संभाग के मौसम में बदलाव, ट्रेन और उड़ान सेवा बाधित। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने दो इनामी माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। और आरटीई के तहत राज्य में इन दिनों निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के दाखिले की चल रही है प्रक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। चक्रवाती तूफान फोनी आज ओडिशा के पूरी तट से टकराया। इसके चलते ओडिशा के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश शुरू हो गई है और 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चली। हमारे संवाददाता के अनुसार तूफान फोनी की वजह से भुवनेश्वर और पुरी सहित कई अन्य इलाकों में काफी नुकसान होने की खबर मिल रही है। इन क्षेत्रों में संचार व्यवस्था ठप हो गई है। इन इलाकों में पानी भर जाने की वजह से यातायात संपर्क कट चुका है। तेज हवाओं की वजह से बड़ी पेड़ गिरे हैं। फिलहाल यहां राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। ओडिशा सरकार ने 15 जिलों के 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। वहीं ओडिशा के लिए हवाई और रेल सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। भद्रक विजयनगरम सेक्शन के कोलकाता चेन्नई रूट की सभी ट्रेनों को 4 मई तक के लिए रद्द किया गया है। तूफान फोनी के मद्देनजर सभी सावधानियां बढ़ती जा रही हैं। राज्य में स्कूल कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों को बंद कर दिया गया है। भारतीय तटरक्षक और नौसेना ने राहत और बचाव कार्यों के लिए जहाजों और हेलीकॉप्टरों को तैनात रखा है। आज सुबह ये तूफान फोनी आंध्र प्रदेश पहुंचा था। ओडिशा से टकराने के बाद अब ये तूफान पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि पश्चिम बंगाल के दीघा क्षेत्र में तूफान की वजह से बड़ा नुकसान हो सकता है। हालात की गंभीरता को देखते हुए तीनों ही राज्यों में सेना और वायुसेना की इकाइयों को चौकस रखा गया है। संभावित स्थिति से निपटने के लिए संबंधित राज्यों और केंद्र सरकार के तमाम विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठकें ली गई। कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा ने फोनी तूफान के रास्ते में आने वाले क्षेत्रों से लोगों को निकालने और उनके लिए भोजन, पेयजल और दवाइयों की पर्याप्त मात्रा बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। एनडीआरएफ ने आंध्र प्रदेश में 12, ओडिशा में 28 और पश्चिम बंगाल में 6 दलों को तैनात रखा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफान फोनी की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने इस सिलसिले में कल एक आपात बैठक भी ली थी, जिसमें उन्होंने सभी एहतियातन कदम उठाने के निर्देश दिए थे। फोनी तूफान की वजह से छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के दक्षिणी हिस्से में एक दो स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के प्रभाव से राज्य के कई क्षेत्रों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तरी और दक्षिणी भाग में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बस्तर और सरगुजा संभाग के अधिकतम तापमान में काफी गिरावट आई है। अन्य इलाकों में भी पारा कम होने की वजह से गर्मी से लोगों को राहत मिली है। आने वाले दो दिनों के बाद तापमान में और अधिक गिरावट आने की संभावना जताई गई है। आगामी 24 घंटों के दौरान राजधानी रायपुर में बदली छाई रहेगी और शाम को गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया। दूसरी ओर फोनी तूफान के मद्देनजर पूर्व तटीय रेलवे ने कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। वहीं कुछ गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अनुसार आज पुरी अहमदाबाद, पुरी दुर्ग और पुरी साईनगर शिरडी एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रहीं। कल पुरी से गांधीधाम के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। 7 मई को अजमेर से पुरी के लिए छूटने वाली ट्रेन भी रद्द रहेगी।
वहीं विशाखापट्टनम अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस और सिकंदराबाद कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन भी परिवर्तित मार्ग से चलाई जा रही है। सिकंदराबाद कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन काजीपेट बल्लारशाह नागपुर झारसुगड़ा होकर चलेगी। राज्य उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन सोमवार 6 मई को शपथ ग्रहण करेंगे। रायपुर स्थित राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल श्री मेनन को मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाएंगी। श्री मेनन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 12वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारियों के सिलसिले में आज मुख्य सचिव सुनील कुजूर ने मंत्रालय में एक बैठक ली। इस बैठक में विभिन्न अधिकारियों को आयोजन की जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह आरपी मंडल प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी प्रमुख सचिव विधि रविशंकर शर्मा और पुलिस महानिदेशक होमगार्ड गिरधारी नायक सहित कई अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने 2 इनामी माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिले में माओवादियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में एसटीएफ और डीआरजी की संयुक्त टीम गश्त पर निकली हुई थी। इस दौरान बारसूर थाना क्षेत्र के मंगनार के जंगलों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 5 अन्य माओवादी मौके से भाग निकले। जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने इस घटना की पुष्टि की। मंगनार में जो नदी पार बारसूर का इलाका है, वहाँ पे संतोष एरिया कमेटी मेंबर, रंजीत एरिया कमेटी मेंबर के साथ 7-8 नक्सलियों की प्रेजेंस की हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। उसके बाद दंतेवाड़ा डीआरजी, दंतेवाड़ा एसटीएफ और बारसूर पुलिस स्टेशन का बल वहाँ पे रवाना हुआ था। वहाँ पहुँचने की भनक नक्सलियों को लग गई और आनंद फानंद में अपना सामान छोड़ के भागने में सफल रहे। 2 नक्सलियों को 52 प्लेटून नंबर 16 सदस्य 2 लाख का इनामी और लक्ष्मण वेट्टी जनता सरकार अध्यक्ष और 1 लाख का इनामी को पकड़ने में सफल हुए। संतोष ईसीएम और रंजीत ईसीएम का पिट्ठू बहुत सारा सामान लिटरेचर वहाँ मिला है, कोई फोर्स वापस लेके आ रही है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुए माओवादी हमले में सुरक्षा बलों के 16 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद से छत्तीसगढ़ में भी विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड के नतीजों में भिलाई के थॉमस जैकब स्टेट टॉपर बने हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल सीबीएसई ने कल सभी जोन के 12वीं के परिणाम एक साथ जारी किए। भिलाई के थॉमस जैकब 98.6% अंकों के साथ राज्य में पहले नंबर पर हैं। थॉमस पहले से ही मेधावी छात्र रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 29 मई को जारी जेईई मेंस के नतीजों में राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए जैकब ने कहा कि वे भविष्य में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। मैं मेनली स्कूल और कोचिंग से मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहा था और बस बोर्ड्स के कुछ दिन पहले ही मैंने बाकी मेन सब्जेक्ट्स जो मतलब कवर नहीं होते वो जैसे इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस उन पे फोकस किया था और उनको इम्प्रूव किया। और मैं एक दिन में करीब 8-9 घंटे तो पढ़ लेता था और फिर भविष्य में तो अभी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी है और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। थॉमस के साथ ही भिलाई की स्निग्धा सरकार 96.6% और ऋषभ भटनागर को 93.4% अंक हासिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ सीबीएसई के भुवनेश्वर जोन में शामिल है। इन दिनों राज्य में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत राजनांदगांव के शंकरपुर स्थित शासकीय हाई स्कूल में निजी स्कूलों में बच्चों के दाखिले के लिए लॉटरी प्रक्रिया हुई। इस मौके पर बच्चों के अभिभावक भी मौजूद थे। इस वर्ष जिले में बड़ी संख्या में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे। नोडल अधिकारी वर्षा शर्मा ने बताया कि लॉटरी प्रक्रिया के जरिए बच्चों के चयन में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत हमारे यहाँ 8 स्कूलों में कक्षा नर्सरी, कक्षा पहली और कक्षा KG-1, जहाँ पे KG-1 है वहाँ KG-1, इनके लिए
लॉटरी का सिस्टम के अंतर्गत आज लॉटरी की जा रही है। इसमें सारे पालकों को मैसेज भेजा जा चुका है जो यहाँ पे उपस्थित हैं, और इस लॉटरी के पूर्व में हम लोगों ने उनके दस्तावेज उनके चेक करने के बाद में उनकी प्राथमिकता के आधार पे उनको अप्रूव किया है, और अप्रूव करने के बाद में उनके मैसेज उनके पास चले गए हैं और उसी के आधार पे ये लॉटरी की प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है। किस तरह से हो रहा है कि आप चीट वाला है या ऑनलाइन हो रहा है? ये लॉटरी पूरी ऑनलाइन है और ये राज्य स्तर पे हो रही है। गौरतलब है कि आरटी के तहत चयनित बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त में दाखिला और पढ़ाई करने की सुविधा दी जाती है। शासकीय स्कूलों के कक्षा 8वीं और 9वीं के बच्चों की उपलब्धियों में सुधार के लिए निखार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए उन्मुखी कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें अधिकारियों को निखार कार्यक्रम के संचालन के बारे में जानकारी दी गई। एक ट्रस्ट के सहयोग से संचालित इस कार्यक्रम के तहत बच्चों की उपलब्धियों की बेहतरी के लिए बेसलाइन आकलन किया जाएगा। स्कूल खुलने से पहले ही 8वीं और 9वीं में पढ़ाने वाले हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। इसके बाद निखार कार्यक्रम के तहत इन कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को किस विषय में कितने अंक मिले इसकी जानकारी ली जाएगी। फिर बच्चों के शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाएंगी। फिलहाल ये कार्यक्रम राज्य के 10 जिलों बीजापुर, कांकेर, महासमुंद, गरियाबंद, रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार, बिलासपुर और जांजगीर चांपा के साथ कोरबा में चलाया जाएगा। रायपुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती रात बारातियों से भरा एक वाहन पलट जाने से दूल्हे सहित 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। मिली जानकारी के अनुसार अकलतरा से बारात लेकर रायपुर जा रही गाड़ी सरगांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जाता है कि इस वाहन की रफ्तार काफी ज्यादा थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। गाड़ी पलटने के बाद 5 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। मौके पर ही दूल्हा, उसकी बहन और उसके पिता की मौत हो गई। वहीं घायलों को इलाज के लिए बिलासपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भूजल के गिरते स्तर को रोकने के लिए भिलाई नगर निगम की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत जीरो वाटर फ्लो योजना चलाई गई है। इस सिलसिले में भिलाई नगर निगम की ओर से जोन स्तर पर कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसके लिए आम लोगों को न केवल जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है, बल्कि पानी के सही उपयोग के बारे में भी प्रोजेक्टर के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। साथ ही निगम की ओर से बारिश के पानी के बचाव के लिए वाटर हार्वेस्टिंग का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं तालाबों का गहरीकरण कर बारिश के पानी को बचाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। भिलाई नगर निगम आयुक्त एस के सुंदरानी ने बताया कि जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ कार्य योजना बनाकर काम भी किया जा रहा है। नगर निगम लगातार काम कर रहा है। नगर निगम भिलाई में 1250 से 1300 के आसपास मिलीमीटर पानी होता है, बारिश होता है, उसको हम लोग संरक्षित और संग्रहित करने की कार्य योजना बना रहे हैं। बाकायदा कार्यशाला आयोजित की गई है। अभी तक 3 कार्यशाला हो चुकी हैं और लगातार चल रही हैं और चलती रहेंगी। अभी हमारे नगर निगम अधिकारी कर्मचारियों की कार्यशाला हो रही है, उसके बाद जनप्रतिनिधियों की कार्यशाला होगी, फिर स्कूलों में हम कार्यशाला करेंगे। इस प्रकार एक जन जागरण अभियान चला करके जल संचयन पे काम करेंगे। हमारा एक अभियान है कि वार्ड का पानी वार्ड में, घर का पानी घर में, मोहल्ले का पानी मोहल्ले में और शहर का पानी शहर में, जीरो वेस्ट, जीरो फ्लो हाउस, जीरो फ्लो वार्ड और जीरो फ्लो मोहल्ला हम बना रहे हैं। इस प्रकार सिटी जो होगा वो जीरो फ्लो सिटी बनेगा। डीएसपी एक प्लांट है जो कि वो इंडस्ट्री है, जीरो फ्लो इंडस्ट्री बनने जा रही है अगले 2 महीने के अंदर। और इस प्रकार हम पानी को जो नदी में जाता था उसको हम रोक रहे हैं, और यदि जाना भी पड़े नदी में तो हमने विभिन्न नालियों में जालियां लगाई हैं। नगर निगम की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में निगम के अधिकारी और जल विशेषज्ञ आम लोगों को जल संरक्षण के उपाय बता रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चक्रवाती तूफान फोनी ओडिशा के तट से टकराने के बाद पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रहा है, ओडिशा में राहत और बचाव कार्य जारी। छह
छत्तीसगढ़ में भी तूफान फोनी की वजह से बस्तर और सरगुजा संभाग के मौसम में बदलाव, ट्रेन और उड़ान सेवा बाधित। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने दो इनामी माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। और आरटीई के तहत राज्य में इन दिनों निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के दाखिले की चल रही है प्रक्रिया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।